हेलो एवरीवन दिस इज़ अ वीडियो फॉर क्लास सेवेंथ चैप्टर फाइव एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज कॉल्ड एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन्स कॉन्स नंबर और वेरिएबल्स के कलेक्शंस को जो कि एक से ज़्यादा ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लायर डिवीजन से जुड़े रहते हैं उसे एल्जब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं यहाँ कांस्टेंट टर्म्स से मतलब है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जैसे कि नंबर्स और वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है वेरी करती है जैसे कि कोई भी अल्फ़ाबेट्स al के जो लेटर्स होते हैं ए बी सी डी और एक्स वाई जेड हेयर सम एग्ज़ाम्पल इज़ गिवन फॉर द एलजैब्रिक टर्म

फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर में ए बी सी कॉन्स्टेंट टर्म है और एक्स एक ही वेरिएबल है तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहलाता है एन एल्ज्रिक एक्सप्रेशन इन टू और मोर वेरिएबल्स इज कॉल्ड पोनिनोमियल एक्सरसाइज एट पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन एलजबली के एक्सप्रेशन फॉर्म करना है बाय यूजिंग वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन सो फर्स्ट इज सिक्स मोर देन थ्राइज अ नंबर एक्स सो वी कैन राइट थ्री एक्स प्लस सिक्स इट मीन्स सिक्स मोर है थ्राइज अ नंबर किसी भी नंबर का थ्राइज किया एक्स का थ्राइज करेंगे तो थ्री एक्स और सिक्स ज़्यादा तो थ्री एक्स प्लस सिक्स इन सेकेंड क्वेश्चन द टैक्स चार्ज रुपीज नाइन पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज इस रुपीज़ फिफ्टी इट मीन फिफ्ट चार्ज तो लग फिक्स चार्ज तो लगेगा ही जो कि फ़िफ्टी रुपीज़ है और जितना किलोमीटर हम जाएंगे उस पर नाइन रुपीज़ लगेगा तो टोटल चार्ज होगा नाइन एक्स प्लस फिफ्टी रुपीज़ इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी हैव टू राइट एल्ज्रिक एक्सप्रेशन हुज टर्म्स आर 5a minus 3b and C. So we write the algebraic expression like this 5a minus 3b plus c. In question number 4, we have to write all the terms of the following algebraic expression. So first is 3 minus 7x. So the term are 3 and minus 7x. Question number 5 me hame. टर्म्स और फैक्टर लिखने हैं तो फर्स्ट इक्वेशन है माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव वाई तो इसकी जो टर्म होंगे वो 4x और 5y, और होंगे माइनस फोर एक्स और फाइव वाई और फैक्टर होंगे माइनस फोर और एक्स एंड फाइव एंड वाई इन क्वेश्चन नंबर सिक्स वी हैव टू शो दी टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम सो फर्स्ट पार्ट इज एट एक्स प्लस थ्री वाई स्क्वायर फर्स्ट वी राइट एट एक्स एंड थ्री वाई स्क्वायर देन एट एक्स के हम जब फैक्टर्स निकालेंगे तो एट और एक्स और थ्री वाई स्क्वायर के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो थ्री वाई एंड वाई इन क्वेश्चन नंबर सेवन राइट डाउन द न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स हमें न्यूमेरिकल कॉफिशियंट्स बताने हैं तो फर्स्ट है माइनस सेवन एक्स तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशियंट होगा माइनस सेवन सेकेंड टर्म है माइनस टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर तो इसका नोमेरिकल कॉफिशियंट होगा माइनस टू इन क्वेश्चन नंबर एट वी हैव टू राइट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स मीन्स एक्स से क्या इंटू हो रहा है वो हमको बताना तो तो है तो फर्स्ट पार्ट इस माइनस फोर बी एक्स तो एक्स का कोफ़िशियंट होगा माइनस फोर बी एंड सेकेंड पार्ट में फाइव एक्स वाई जेड है तो एक्स का कोफिशेंट होगा फाइव वाई जेड इन क्वेश्चन नंबर टेन हमको नॉन कॉन्स्टेंट टर्म और नुमेरिकल कोफिशियंट को सेपरेट करना है फर्स्ट पार्ट इज थ्री माइनस सेवन एक्स तो इसमें नॉन कॉन्स्टेंट टर्म होगी माइनस सेवन एक्स और नुमेरिकल कॉफिशियंट है माइनस सेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में हमें एक्स की टर्म को आइडेंटिफाई करना है और एक्स के कॉफिशियंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट है थर्टीन वाई स्क्वायर माइनस एट एक्स वाई तो इसमें एक्स की टर्म है माइनस एट एक्स वाई or x coefficient -8y similarly in question number 12 we have to find out the term of y then coefficient of y in question number 13 we have to write that these expressions are monomial binomial or trinomial so if the expression have only one term it is called monomial if it is have two term it is called binomial and if it has three terms it is called trinomial we know that the term having same variables factor are called like terms so here in first part there is a same variable factors that is x so it is like term in second part in first terms, variable is x and in second term the variable is y. So it is not a like term. In question number 15, we have to identify like terms. Means four terms select karni hai jinke same variable factors. So in question number first, x square y and minus 2x square y are like term. In question number 16, we have to write the डिग्री ऑफ द पोलिनियल इसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री होगी एट सेकेंड पार्ट में वन थर्ड पार्ट में कोई भी वेरिएबल नहीं है तो डिग्री ज़ीरो होगी एंड फोर्थ पार्ट में डिग्री होगी टू सिमिलरली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डू ऑल दिस क्वेश्चन And this true and false in your copy, and submit your work on my personal WhatsApp number. Thanks for watching this video.